Hi students, this is KD sir from Shivam Education. I hope you might have watched our 3.1 and introduction video, right? So we are going to continue with exercise 3.2, chapter number 3. Okay, let's see. From the pair of linear equations in the following problems and find their solutions, right? Form the pair, okay? तो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसका सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू करना है. अब मैं ग्राफ यहाँ करूँगा लेकिन आपको अपने ग्राफ बुक में करना है. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. अब गर्ल्स एंड बॉयज हैं तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स एंड the number of girls is y. Therefore, total कितने हैं? X plus y is equal to 10. Equation number 1. Right? अब क्या करना है? The number of girls is 4 more than the number of boys. Right? अब यहाँ पे देखें, girls तो हमने ये लिया. Therefore, y is equal to x plus 4. मतलब जितने भी boys हैं उससे 4 ज़्यादा होंगे. इसका मतलब क्या हुआ ये? इसका अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4. राइट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं या इस बाजू भी लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इट्स राइट. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ग्राफ मिलेगा. पहला वाला इक्वेशन, राइट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस एक्स. राइट, तो ये इसका एक हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं. 1, 2, 3, 4. राइट, अब फिर उसके बाद दूसरा टेबल बना लेंगे. 1, 2, 3 और ये 4. ये एक्स वाई, ये एक्स वाई. ये पहला इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स और ये होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. ठीक है, चलो लेट्स सी. अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं. x इज इक्वल टू, देखो, फॉर x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 ले लेते हैं. x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू क्या होगा, 8. x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7. x इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 5. राइट, और x इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 4. ये आने वाला है तो अभी लिख लेते हैं. 2, 3, 5, 6. ओके, तो 2, 3, 5, 6 का 8, 7, 5, 4. 8, 7, 5, 4. 2 + 8, 10. 3 + 7, 10. 5 + 5, 10. और 6 + 9. अब सेकेंड वाला, राइट, y इज इक्वल टू x प्लस 4 है तो x क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. x इक्वल टू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा. राइट, तो चलो 1, 2, 3 लेते हैं. 1, 2, 3 तो क्या हो जाएगा, 5, 6, 7. राइट, और ले लेते हैं x इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8. ओके, तो दिस इज अनदर वन. 4 मतलब 8. अब ये ट्राई करते हैं इधर, लेट अस सी. राइट, अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ x एक्सिस का हाईएस्ट नंबर क्या है, 6 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. माइनस तो है ही नहीं तो आप कुछ भी लिखो, फटाफट हो जाएगा. माइनस 4 तक यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे x डैश लिखो, यहाँ पे y लिखो और यहाँ y डैश लिखो. राइट, अब y में क्या है, 8 है तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा. राइट, लेट्स सी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8. राइट, तो ये 8, ये 7, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ है 0, 0. राइट, और ये होगा -1, -2, -3, -4, -5. अब लेट्स सी, 2, 8 मतलब ये होगा यहाँ पे. राइट, फिर 3, 7 ये होगा यहाँ पे. राइट, ओके, यस,
यहाँ, राइट। फिर उसके बाद फाइव ए, फाइव 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 पे फाइव, ओके। फिर उसके बाद होगा फोर पे, फाइव पे ना, सिक्स पे फोर, सिक्स पे फोर मतलब दिस इज द थिंग, मतलब ये लाइन कैसे जा रहा है देखिए, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, राइट, ओके, दिस इज द थिंग। अब यहां देखते हैं वन पे फाइव, चलो ओके, टू पे सिक्स, ओके, फिर थ्री पे सेवन, यहां भी थ्री पे सेवन था तो ये आ गया सेवन, तो टू पे सिक्स यहां आएगा, ओके, राइट। फिर उसके बाद फोर पे एट, ये होगा यहां, ओके, तो ये देखिए जरा कौन सी जगह मिला है, थ्री और सेवन। अब बताइए थ्री एक्स हमने क्या लिया था, बॉयज, और सेवन क्या लिया था, वाई, दैट इज गर्ल्स, तो यार थ्री सेवन इज द सॉल्यूशन, बराबर। देयरफॉर बॉयज एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू सेवन, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू थ्री एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू सेवन, दिस इज योर आंसर, राइट। सी वी गॉट द सॉल्यूशन, और ये ग्राफ फिर करोगे तो और परफेक्ट आएगा, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर वन में सेकेंड सम, फाइव पेंसिल्स एंड सेवन पेन्स टूगेदर कॉस्ट रुपीज फिफ्टी, वेर एज सेवन पेंसिल्स एंड फाइव पेन्स टूगेदर कॉस्ट रुपीज 46। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज एक्स रुपीज, ओके। नाउ कॉस्ट ऑफ वन पेन इज वाई रुपीज, ओके। देयरफॉर फाइव पेंसिल कॉस्ट क्या हो गया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फाइव पेंसिल्स दैट इज फाइव एक्स, कॉस्ट ऑफ सेवन पेन्स इज इक्वल टू सेवन वाई, दैट इज फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 50, इक्वेशन नंबर वन, ओके। वैसा ही इक्वेशन नंबर टू करते हैं, राइट। अब वेर एज सेवन पेंसिल्स एंड फाइव पेन्स, राइट, वेर एज सेवन पेंसिल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेवन पेंसिल्स इज इक्वल टू सेवन एक्स, कॉस्ट ऑफ फाइव पेन्स इज इक्वल टू फाइव वाई, तो सेवन एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 46। दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ये जो फॉर्म द इक्वेशन है ना, इसके आपके एक मार्क्स आ गए, ओके। तो ये जो है आराम से करोगे तो आपको पहले हर एक स्टेप का एक मार्क्स है, तो दिस इज द वे यू टू डू, ओके। नाउ अब इसका हम लोग टेबल बनाते हैं, राइट, पहले हम लोग बनाते हैं 5x प्लस 7y, राइट, 5x प्लस 7y का इज इक्वल टू 50, तो ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, फॉर एक्स इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5, ये हमारा इक्वेशन है, इसके मुताबिक हमको टेबल बनाना है, राइट। तो ये ले लेते हैं टेबल यहां पे इसका, एक्स वाई, राइट, और ये लिखेंगे इधर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, पहला इक्वेशन, राइट। अब ऐसा नंबर डालो जो हमको इजी रहे, बराबर, और 5 से डिवाइड हुए, तो कैसे करेंगे बताइए, फॉर y इज इक्वल टू 5, राइट, फॉर y इज इक्वल टू 5 क्या आएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5, x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 अपॉन 5, दैट इज 15 अपॉन 5, दैट इज 3, तो y इज इक्वल टू 5 के लिए x इक्वल टू 3 मिला, y इज इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 3 मिला, राइट। अब
y इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 6, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 50 - 7 6 अपॉन 5, दैट इज 50 - 42 अपॉन 5 कितना आएगा 8 अपॉन 5, राइट। 8 अपॉन 5 का क्या आएगा बताइए, 1.6, ओके 1.6, तो दैट इज हम लोग इसको 8 अपॉन 5 लिखते हैं, 6 y इज इक्वल टू 6 है तो ये आएगा 8 अपॉन 5 मतलब 1.6, ओके। अभी और एक नंबर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 7, राइट, तो 7 आएगा तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 50 - 7 अपॉन 7 अपॉन 5, दैट इज 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5 मतलब 0.2, राइट। तो y इज इक्वल टू 7 लिया तो 0.2, राइट, दिस इज द वे हमको ये एक टेबल आ गया। अब दूसरा टेबल देखते हैं, दूसरा टेबल क्या है, 7x + 5y उल्टा दिया है, बराबर। यहाँ पे हम लोग y ले लेंगे, ऐसा होगा तो 7x + 5y = 46 है, तो 5y = 46 - 7x, ओके। ये बार x को लिया मैंने 46 - 7x / 5, ओके। लेट स्टार्ट, पहला क्या आएगा 46, तो लेट टेक यहाँ पे जैसा लिया वैसे ही लेते हैं, ओके। x = 5 रखते हैं तो y = 46 - 35 / 5, तो y = कितना आएगा 11 / 5, दैट इज 5 × 2 = 10, 2.2, राइट। x y कौन सा वाला इक्वेशन है, 7x + 5y = 46, ओके। अच्छा ये आया हमको x, जब मैंने 5 लिया तो ये आया 2.2, वापस देखिए x = 6 लेता हूँ, x = 6 लूँगा तो क्या आ रहा है y = 46 - 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 = 42 / 5, तो y = 4 / 5, दैट इज 0.8, तो x = 6 लिया तो 0.8, अब x = 7 लूँगा तो y = 46 - 49, ये हो जाएगा रिवर्स में, तो उससे तो अच्छा क्या करो 4 ले लो, 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 4 = 28 / 5, दैट इज 16, 8 3 में 1 / 5, 5 × 3 = 15, 3.6, और ये क्या था 4। अभी हम लोग को ये छोटे से जगह से हम ट्राई करते हैं बनाने के लिए, राइट सर, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बराबर है ना 7, राइट, और ये हो गया -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5, ये हो गया 0 0, राइट। लेट्स स्टार्ट नाउ, पहला वाला हम लोग करते हैं 3 पे 5 देखिए ये इसको ऐसा रखते हैं, राइट, दैट इज 3 पे 5, ओके। 1.6 पे 6, दैट इज 1.6 पे 6, ओके, राइट, फिर उसके बाद 0.2 पे 7, तो 0.2 यहाँ से यहाँ, तो ये बनेगा यहाँ पे, तो ये लाइन तो परफेक्ट बना ये, राइट। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, 5 पे, पहले से स्टार्ट कर, 3 पे 5, वापस 3 पे 5 मतलब ये तो हो गया, 4 पे 3.6, 4 पे 3.6, ओके, राइट, फिर उसके बाद x = 6 तो y = आएगा 0.8, ओके, तो मैं क्यों करूं, ये आ गया, राइट, तो दिस इज द थिंग, तो ये जो आंसर हमारा जो आ रहा है ये है 3 5, अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम, ओके। तो हमको खाली ये देखना है कि हमारा आंसर कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो दैट इज 3 5, देयरफॉर हियर x = 3
y is equal to 5, x equal to 3 और y is equal to 5, मतलब cost of one pencil, लिखो इधर cost of one pencil is equal to 3 rupees, cost of one pen is equal to 5 rupees, this is your answer, okay, तो इस तरह आपको आराम से करना है, ठीक है, चलो let's go to the next sum. Okay, students, question number 2. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find the whether the lines representing the following pair of linear equation either intersect at a point or are parallel or coincident. Bahut easy hai. Let's see. Dekhiye 5x minus 7y plus 8. A1. A1 kitna hai? 5. B1 kitna hai? Minus 4. C1 kitna hai? 8. राइट आपको यहां से ही लिख देना है A2 कितना है 7 B2 कितना है 6 C2 कितना है माइनस 9 राइट अब A1 अपॉन A2 कितना है 5 अपॉन 7 B1 अपॉन B2 कितना है माइनस 4 अपॉन 6 इसको देखो जब तक आप कंप्लीट कर सकते हो वो करना है माइनस 2 अपॉन 3 राइट और C1 अपॉन C2 कितना है C1 upon C2 है 8 upon 9 कुछ नहीं कर सकते राइट अगर आप देखो 5 upon 7 minus 2 upon 3 दोनों इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है तो A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 okay that means they are intersecting lines right what they are to say Following pair of A intersect at a point. Yes. So they have unique solution. Unique solution. Therefore, intersect at a point. बस इतना ही लिखना है. Okay. Understood all of them? ये वाला है. अब second वाला देखते हैं. Okay. Second वाला देखते हैं. 9x plus 3y plus 12. That is A1 is equal to 9. A2 is equal to 18, B1 is equal to 3, B2 is equal to 6, C1 is equal to 12, C2 is equal to 24. Chalo, A1 upon A2 is equal to 9 upon 18. 9 on the 9, 9 to the 18, 1 upon 2. Okay, B1 upon B2, 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. Okay, C1 upon C2. Is equal to 12 upon 24 that is 1 upon 2 right that means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 ye kya ho gaya ye bataiye when all of them are equal they are coincident lines right therefore kya aega they have infinite solutions okay बस इतना ही सही लिखना है और नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा they are considered coincident करके पूछा है वही लिखना है okay third वाला देखते हैं a1 is equal to 6 a2 is equal to 2 b1 is equal to minus 3 b2 is equal to minus 1 c1 is equal to 10 c2 is equal to 9 Now A1 upon A2, क्या आ रहा है 6 upon 2, 2 3 जा, 2 1 जा, that is 3 upon 1, B1 upon B2 is equal to minus 3 minus 1, that is 3 upon 1, और C1 upon C2, क्या आ रहा है 10 upon 9, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, देखिए इसका opposite, right, यहाँ पे not equal to था, तो unique solution intersecting है, तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा तो क्या आएगा पैरेलल लाइंस क्या आएगा पैरेलल लाइंस देयरफॉर दे आर पैरेलल लाइंस नो राइट नो इंटरसेक्शन ओके खाली इतना ही लिखना है देखिए दिस इज द थिंग आई होप यू अंडरस्टूड किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ओके आई विल गेट बैक टू यू चलो नेक्स्ट सम Okay, students, now question number 3. On comparing with the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the given pair of linear equation are consistent or inconsistent. पहली बात, consistent किसे कहते हैं? बराबर, जिसकी जो points
राइट, मिलते जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग करते हैं, दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। ओके, अगर पैर ऑफ लाइंस हैं, पैरेलल हैं, कहीं भी मिलना नहीं है तो दे आर इनकंसिस्टेंट। तो अगर आप देखोगे थ्री टाइप्स ऑफ लाइन है, वन इज इंटरसेक्टिंग, अनदर इज कोइंसाइडिंग और थर्ड है पैरेलल। अब इसमें इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को टच, मतलब इंटरसेक्ट करने वाले लाइंस कौन से, ये दो, और पैरेलल लाइंस वाला ये अकेला। तो ये दो अगर आते हैं तो कंसिस्टेंट, पैरेलल आता है तो इनकंसिस्टेंट। ओके, लेट्स सी नाउ, ये वाला पहले इसको रीअरेंज कर दो, 3x plus 2y minus y is equal to 0, 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. ओके, चलो a1 upon a2 करते हैं, a1 upon a2 3 upon 2, b1 upon b2 क्या आएगा 2 upon 3, और c1 upon c2 minus 5 upon minus 7, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं तो क्या लिख देने का, माइनस थ्री है ना ये रिया, राइट। देयरफॉर यार ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर दे आर इंटरसेक्टिंग, राइट। देयरफॉर द पैर इज कंसिस्टेंट, पैर इज कंसिस्टेंट, खाली इतना लिखना है। ओके, अब सेकंड नंबर में जाते हैं, सेकंड नंबर को भी अरेंज कीजिए, पहले 2x minus 3y minus 8 is equal to 0, 4x minus 6y minus 9 is equal to 0. ओके, चलो a1 upon a2 करते हैं, ऊपर नीचे ही है, that is 2 upon 4, क्या आएगा 1 upon 2, b1 upon b2 करते हो, चलो minus 3 upon 6, minus 3 upon minus 6, minus minus कट हो गया 1 upon 2, ओके, right? तो यहाँ पे देखिए c1 upon c2, that is minus 8 upon minus 9, तो यहाँ पे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, equal to आया मतलब parallel lines, they are parallel lines, और parallel lines कहीं भी touch नहीं होते, तो therefore they are inconsistent, the pair is inconsistent, okay, right। third वाला देखिए, 3 upon 2x plus 5 upon 3y minus 7 is equal to 0, 9x minus 10y minus 14 is equal to 0. चलो let us see, a1 upon a2 आराम से करना, 3 upon 2 9, that is 3, 2 into 9, 3 1 the 3, 3 3 the 9, 1 upon 6, okay, चलो b1 upon b2, that is 5 upon 3 minus 10, that is ये क्या आएगा 5 upon 3, that is 5, 3 और ये माइनस 10, दैट इज 5 माइनस 2, दैट इज 1 अपॉन माइनस 6, तो ये जो है माइनस 3, राइट। ओके, तो और दूसरा क्या आएगा c1 अपॉन c2, दैट इज 7 अपॉन 14, दैट इज 1 अपॉन 2। यहाँ पे फिर से देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं, हाँ यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स they are once again a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore they are intersecting, therefore the pair is consistent। okay, शांति से लिखने का है, consistent, right, let's see। ओके, नाउ फोर्थ वन, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। चलो a1 अपॉन a2, 5 अपॉन माइनस 10 दैट इज 1 अपॉन 2 दैट इज माइनस 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6 तो माइनस 1 अपॉन 2, राइट, दोनों इक्वल है। c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन 22 दैट इज माइनस 1 अपॉन 2, तीनों इक्वल है, देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, दैट मीन्स दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट,
राइट, दिस इज द थिंग। अब ये लास्ट वाला देखते हैं, 4 अपॉन 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 4 अपॉन 3 2, दैट इज 4 अपॉन 3 इंटू 2, दैट इज 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 क्या आएगा, 2 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 क्या आएगा, माइनस 8 अपॉन माइनस 12, दैट इज 2 अपॉन 3। देयरफॉर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वापस इसके जैसा ही है, दे आर कोइंसिडेंट, दे आर कोइंसिडेंट लाइन, देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट। ओके, तो सिर्फ देखे तो अगर ये कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट और ये कंसिस्टेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट देन द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहले हमको ये देखना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो स्टॉप, कंसिस्टेंट है तो फिर हम लोग ग्राफ फाइंड करना है। हियर इट इज, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, राइट, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या आएगा, 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 क्या आएगा, माइनस 5 माइनस 10, दैट इज 1 अपॉन 2। देयरफॉर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ओके, अगर जब ये आता है तो इसका क्या हो गया, दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, राइट, देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट। ओके, दे आर कंसिस्टेंट। अभी इसका हम लोग को क्या ढूंढना पड़ेगा, इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो देखिए आप लोग, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, राइट। अब ये ले लीजिए 1 2 3, राइट, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ढूंढने का बोला है। तो यहां पे इसमें क्या है, एस दे आर कोइंसिडेंट लाइन, इट इज एक्चुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो कैसे, मैं बताता हूं, देखो ये हो गया, तो ये एक्स ये वाई, तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई, मतलब अगर वाई इज इक्वल टू मैं 0 लूं तो ये 5, वाई इज इक्वल टू मैं 1 लूं तो ये 4, वाई इज इक्वल टू अगर 2 लूं तो ये 3। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हो गया, 5 माइनस 2 कितना है 3, 5 माइनस 4 कितना है 1, और 5 माइनस 0 कितना है 5। अब वैसे ही देखिए दूसरा वाला, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दैट इज 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, 10 माइनस 2y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, वापस वही हो गया, 5 माइनस y, क्योंकि 2 कॉमन निकल जाएगा तो सेम हो जाएगा, राइट, x और ये y, 5 का 0, 4 का 1, 3 का 2, राइट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, ये देखिए, ये 0 0 5 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4 और ये माइनस 5, 5 का 0, नेक्स्ट 4 का 1, ओके, नेक्स्ट 3 का 2, राइट, 3 का 2, राइट, दिस इज 3, दिस इज 4, 5 एंड 6। तो ये हो गया 3 का 2, तो ये आपका मिलेगा लाइन।
और वही लाइन आपको ये इसमें भी मिलेगा राइट। तो ये दूसरा भी कोइंसाइडिंग हो रहा है, दैट इज टू टाइम्स। तो दैट इज व्हाट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या लिखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। ओके क्वेश्चन नंबर टू, एक्स माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस 1, b2 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 8, c2 इज इक्वल टू माइनस 16। चलो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस माइनस, तो मतलब कट हो गया 1 अपॉन 3 राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर दे आर पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन होगा तो क्या है, दे आर इनकंसिस्टेंट राइट, दिस इज द थिंग, दे आर इनकंसिस्टेंट, खाली इतना लिखना है आपको। ओके तो अब अगले सम में जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड सम में अगर देखें तो 2x plus y minus 6 equal to 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 राइट। तो अगर मैं इसको a1 upon a2 करूं तो 2 upon 4 1 upon 2 राइट, b1 upon b2 करूं तो b1 upon b2 अगर करें तो 1 upon minus 2 राइट। तो ये 1 upon 2 ठीक है, लेकिन ये प्लस माइनस है तो दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 राइट। यहाँ पे c1 upon c2 आप करके रख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 राइट, 3 upon 2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, लेकिन ये जो है इससे क्या हो गया, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल ढूंढना पड़ेगा। लेट अस सी, 2x plus y minus 6 equal to 0, तो y is equal to क्या होगा, 6 minus 2x। चलो लेट अस फाइंड आउट, ये वाला टेबल ले लेते हैं राइट, ये x ये y, 2x मतलब x का वैल्यू डालना है, x का वैल्यू लेट अस सी 0 1 2 डाल देते हैं, तो y is equal to 6 minus 0 क्या आएगा, 6 ओके, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 4, ओके y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 2 टू द 4 दैट इज 2, दिस इज द थिंग राइट। अब वही चीज हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे देखते हैं, सेकेंड इशू इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y ये ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस, ये काम करते हैं हम लोग y को रखते हैं राइट, क्योंकि क्या है 2 कट हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो इसमें, तो दिस इज 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब इसका भी बॉक्स बना लो, 1 2 3 राइट, x और y, अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू रखना है, चलो रख देते हैं 0 1 और 2, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 2 तो आएगा ये माइनस 2 राइट, y इज इक्वल टू 2 1 माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 2 माइनस 2 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो इसमें देखिए, y में 6 है और x में तो खाली 1 2 है, तो ये 1 2 3 4 राइट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये राइट, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4
राइट, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। पहले देखते हैं जीरो पे सिक्स, ये जीरो जीरो इधर है तो जीरो पे सिक्स ये आ गया। फिर वन पे फोर, वन पे सीधा फोर ले लीजिए, दिस इज द थिंग। टू पे टू, तो टू पे टू ले लीजिए, दिस इज द थिंग। ओके, यहाँ पे देखते हैं अभी जीरो पे माइनस टू, जीरो पे माइनस टू ये आ गया। फिर वन पे जीरो, वन पे जीरो मतलब ये ही आ गया। फिर उसके बाद टू पे टू ये आ गया। देखिए ये आपका सॉल्यूशन, राइट, टू पे टू इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बोला था ना दे आर इंटरसेक्टिंग, दिस इज द थिंग। तो ये इस तरह आपको ग्राफ बुक में करना है, और आप ग्राफ बुक में करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे कॉर्नर पे आपको यूनिट लिखना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ओके, फोर्थ नंबर का सम यार, ए वन अपॉन ए टू डायरेक्ट करते हैं, टू अपॉन फोर, वन अपॉन टू हुआ, बी वन अपॉन बी टू कितना आएगा, माइनस टू अपॉन माइनस फोर कट हो गया, वापस वन अपॉन टू, और सी वन अपॉन सी टू क्या हुआ, माइनस टू अपॉन माइनस फाइव कट हो जाएगा, लेट इज टू अपॉन फाइव। ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, राइट। दर पॉर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, लेकिन ये दोनों इक्वल है तो क्या हो गया, ये है पैरेलल लाइंस, राइट, दर पॉर दे आर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है, दर पॉर दे आर इनकंसिस्टेंट, राइट, दिस इज, तो देर इज नो सॉल्यूशन, तो ऐसे ही करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फाइव, हाफ द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, राइट। सेकंड नंबर में क्या आता है, विड्थ, तो लेट द विड्थ इज ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स मीटर ले लेते हैं, राइट, देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई मीटर, राइट। नाउ हाफ द पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 36, दैट मीन्स ये हाफ टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, टू टू कट हो जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, ये इसका हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल बना लेते हैं, राइट। तो ये अगर टेबल सपोज यहां बनता है x और ये y, राइट, तो x इज इक्वल टू अगर मैं 10 रखता हूं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 36 माइनस 10, y इज इक्वल टू 26, तो ये 10 पे ये 26 मिलेगा। x इज इक्वल टू मैं 20 रखता हूं तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 20 दैट इज 16, राइट, तो ये क्या आएगा आपको, ये मिलेगा 20, तो ये मिलेगा 16, राइट। ओके, तो दिस इज द थिंग। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू मैं 16 रखता हूँ, राइट, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 36 माइनस 16 दैट इज 20, तो दैट ये, तो x इक्वल टू 16 तो ये बनेगा 20, लेट अस सी। अब दूसरा क्या था, उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये इसका टेबल तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, राइट, 1 2 3 x और ये y, x कुछ भी ले हुए उसका प्लस 4 ऐड कर देने का, तो x इक्वल टू अगर मैं क्या लेता हूँ 4 लेता हूँ तो y बनेगा 8, x इक्वल टू 6 लूंगा तो ये बनेगा 10, ओके, तो x इक्वल टू मैं 16 लेता हूँ तो ये बनेगा 20, बन गया कि नहीं, तो चलो लेट अस सी। अभी ये वाला टेबल पे राइट, अभी ये देखिए 20 तक है, तो हम लोग एक काम करते हैं 5 10 15 20 और ये 25, ये भी 5 10
15, 20 और ये 25, माइनस 5, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 20, माइनस 25, माइनस 5, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 25, ये x डैश, ये x प्लस, ये y प्लस और ये y डैश, ओके, चलो यहाँ हो गया 0, 0, getting all of them, चलो पहला वाला देखते हैं, 10 पे 26, 10 पे 26 किधर आएगा, this is the thing, तो ये बन गया 10 पे 26, ओके, चलो, 20 पे 16, 20 पे आएगा 16 मतलब ये, तो that is, ओके, नेक्स्ट क्या है, 16 पे 20, 16 पे क्या हो जाएगा, 20, मतलब ये देखिए इधर, ये आ गया, या, तो ये लाइन यू बन गया, राइट, ये हमारा पहला लाइन बन गया, अब दूसरा वाला देखिए, 4 पे 8, 4 है, तो इधर 8 कितना आएगा, इधर, राइट, ओके, ए 6 पे 10, तो ये 6 है, तो ये बन जाएगा 10, ओके, और 16 पे 20, तो 16 पे ये बन गया 20, ये 16 पे 20 ये गया, राइट, तो अगर आप देखेंगे, तो ये, राइट, दैट इज 16, तो अब बताइए मुझे, यहाँ पे हमारा x is equal to 16 है, और y is equal to 20, राइट, तो therefore, the length of rectangle is equal to 20 meter और breadth मतलब width of rectangle कितना है, breadth of rectangle is equal to 16 meter, तो this is your answer, 16, 20, breadth or length, राइट, तो ये आंसर है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज योर आंसर, ओके, अंडरस्टूड आप, तो दिस वे यू टू ड्रॉ द ग्राफ बुक, तो आपको ये मिल जाएगा, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दैट मींस a1 इज इक्वल टू 2 दिया है, b1 इज इक्वल टू 3 दिया है और c1 इज इक्वल टू माइनस 8 दिया है, राइट, नाउ वी आर राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मड इज वन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो क्या कंडीशन होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट और रॉन्ग, राइट, तो अगर ये हमारा कंडीशन पूरा होता है तो दे आर इंटरसेक्टिंग, तो लेट अस सी, तो a2 इज इक्वल टू डॉट, b2 इज इक्वल टू डॉट और c2 इज इक्वल टू डॉट, तो नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट, अगर मुझे इसको इक्वल नहीं करना है तो दैट इज 2 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन b2, राइट, तो अगर मुझे इसको इक्वल नहीं करना है तो क्या करना है, मुझे यहाँ पे 3 लगा दूंगा और यहाँ पे 2 लगा दूंगा, राइट, देयरफॉर लेट अस टेक a2 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर और c1 आप कुछ भी ले सकते हैं, राइट, तो c1 इज इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हैं, तो राइट, देयरफॉर द इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट, तो ये भी लगा सकते हैं, या तो माइनस का प्लस 12 भी लगा सकते हैं, या तो माइनस 8 को माइनस 8 रखो, लेकिन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन ये हो जाना चाहिए ये कंडीशन, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 3, b3 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू 2 लिया, देयरफॉर द पेयर आर इंटरसेक्टिंग एट यूनिक पॉइंट, ओके, ये आपका आंसर, खाली इतना करना है, और वही चीज अगर पैरेलल लाइंस होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए, तो देखिए 2x मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, चलेगा, ये तो हो जाएगा, अब ये कितना है 2 अपॉन a2 3 अपॉन b2,
इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ओके तो अभी चलिए यहाँ पे अभी क्या करना है, इसका दोनों का पैर इक्वल होना चाहिए। तो आप ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो क्या लेंगे बताइए, यहाँ पे हम लेंगे 4 और यहाँ लेंगे हम 6। ओके तो ए टू इज इक्वल टू, अगर 4 लेता हूँ तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। बी टू इज इक्वल टू 6 लेता हूँ तो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो गया। तो देयरफॉर दे आर पैरेलल लाइंस। तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, देयरफॉर दे आर पैरेलल लाइंस। ओके इतना लिखना है। नेक्स्ट थर्ड वाला कोइंसिडेंट, ये तो बहुत इजी है। कोइंसाइड का मतलब बता देता हूं, ये जो भी नंबर दिया हो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज कोइंसाइड, राइट। देयरफॉर हियर 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देयरफॉर क्या हो जाएगा दे आर कोइंसाइड। ओके तो दे आर कोइंसाइड लाइंस मतलब यू कैन गेट एनी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके या दे हैव नो सॉल्यूशन और या दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, बस इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। कोइंसाइड में 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, लेकिन इक्वल आना चाहिए। तो ये आपको अगर करेंगे तो आपको सेम टू सेम आएगा। ओके यहाँ पे आपको क्या करना है, पैरेलल लाइंस में इक्वल बनाना है। इक्वल बनाना हो तो मैंने क्या किया, इसको 4 लिया इसको 6 लिया, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 आया, इधर भी 1 अपॉन 2 आया, देयरफॉर इक्वल। यहाँ पे नॉट इक्वल बनाने का है तो मैंने क्या किया, क्रॉस कर लिया, 3 को इधर भेज दिया 2 को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया एक्सचेंज, तो ये हो गया उल्टा। तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके लेट्स गो टू द लास्ट सम। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दिस लाइंस ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस राइट एंड सॉरी एंड द x एक्सिस एंड प्लीज शेड टू द ट्राइंगुलर रीजन, शेड करना है राइट। तो पहले तो हम लोग इसके टेबल बना लेते हैं राइट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, इसका ट्राइंगल तो फटाफट बन जाएगा राइट। लेट्स सी, ये थोड़े ज़्यादा ही ले लेते हैं क्योंकि क्या इजी है। ओके x y का वैल्यू रखना है, चलो 0 तो माइनस 1, ये 1 तो ये हो गया 0, ये 2 तो ये 1, 3 तो ये 2, 4 तो ये क्या हो जाएगा 3 राइट। आपको पुट करके देखना होता है, देख लीजिए x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2 एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके अब वैसे ही दूसरा सम, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 12 माइनस 3x राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, y को ले लिया है 12 माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ ध्यान देना आप, मैं ऐसे नंबर्स लूँगा जो आपको ये x ये y राइट, x में ऐसे नंबर लेना है जो 2 से डिवाइड हो सके, जैसे अभी 3 टू जा 6 तो x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 क्या आएगा 3, तो मैंने x इक्वल टू 2 लिया, y x इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू 3 मिला राइट। अब x इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0 तो क्या आएगा 12 अपॉन 2 दैट इज 6, तो x इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू 6 आया। अब x इक्वल टू क्या लेते हैं 4 लेते हैं राइट,
x इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस 12 अपॉन 2 दैट इज 0. तो 4 जब मैं लूंगा x, तो ये बन जाएगा 0. अब x इक्वल टू 5 लेते हैं, तो ये क्या आएगा, 12 माइनस 15 अपॉन 2 दैट इज माइनस 3 अपॉन 2 दैट इज माइनस 1.5. थोड़ा सा लेते हैं इस बाजू, राइट. तो दिस इज 5 लिया मैंने, तो माइनस 1.5. लेट अस सी, अब ये दोनों को ट्राई करते हैं, राइट. स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, ये जो भी मैंने ग्राफ्स ग्रीन बोर्ड में ट्राई किया है, दे आर नॉट प्रिसाइज वन. प्लीज प्रैक्टिस इन द ग्राफ बुक. ये जस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, आपको आइडिया मिले कि कैसे करना है, देन यू कैन कंटिन्यू, बट नेवर प्रैक्टिस ऑन द रफ बुक. ये ग्रीन बोर्ड, ये रफ बुक, ये सब में ग्राफ नहीं होता है. ग्राफ बहुत ही परफेक्ट होना जरूरी है, यूनिट लिखना जरूरी है, नीट एंड क्लीन रखना जरूरी है. ओके, लेट्स सी नाउ. एक्स में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 3 है, यहां पे 5 है. चलो 1, 2, 3, 4 और ये 5. यहां पे y में क्या है, 4 है और ये 6 है. 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. ओके, चलो -1, -2, -3, -4 और ये -5. यहाँ पे 0, 0 आएगा और ये -1, -2, -3, -4 और ये -5. पहला वाला -1 पे जाके खड़े रह के 0 लाना है, तो ये -1 यहाँ पे रहा, तो ये 0 ये आ गया. ओके, नेक्स्ट क्या है, 0 पे 1, 0 पे 1 मतलब ये 0, तो ये 1 आ गया. ओके, 1 पे 2, ओके परफेक्ट, राइट. फिर उसके बाद 2 पे 3 मतलब ये, ओके थोड़ा सा नीचे, राइट. और 3 पे 4 क्या बात है, ये भी बराबर है, राइट. ओके, नाउ ये हो गया, राइट. सपोज दिस इज द थिंग, मैंने बोला ना, ये आप स्ट्रेट लाइन स्केल से दौड़ सकते हैं. नेक्स्ट है दूसरा लाइन, 2, 3 मतलब 2 पे 3. चलो 2 पे 3, यस सेम आ गया था, ये आ गया 2 पे 3. फिर उसके बाद 0 पे 6, 0 पे 6 मतलब, चलो ये 0 पे 6. फिर आया 4 पे 0, तो यहाँ पे 4 मतलब ये आ गया 0. ओके, और आ गया 5 पे 0.5, तो 1.5 मतलब नीचे, दैट इज ये, राइट. तो ये देखिए, अगर ओके दिस इज द थिंग, अब आई होप आपको ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, राइट. ये बताइए ये कौन सा था, ये है 2 पे 3, राइट, 2 पे 3. दूसरा ये कौन सा था, ये -1, 0. ओके, और तीसरा कौन सा है, 4 पे 0, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस के साथ लेना है, देयरफॉर दिस इज योर ट्राइंगल, राइट. ये आपका शेड ट्राइंगल, तो दिस इज यू कैन नेम ऑल्सो ए बी सी, देयरफॉर ए क्या है वर्टाइसिस 2, 3, बी क्या है -1, 0, सी कितना है दैट इज 4, 0, राइट. दिस वे द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल इज गॉट, एंड यू ऑल्सो शेड एट द रीजन. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 3.2. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to draw graph on this green board, still we got the good results, right, but you try it on the graph book or graph page, okay, so that you get precise result, okay, right. So please practice karna, ye video ko watch, fully watch karo aur uske sath sath practice karo, fir ek bar pause karke apne aap karo, right, so that aapka acha practice ho jaye. Aur students, और प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वो बेल आइकन प्रेस करो सो दैट आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इसी तरह आपको
प्रैक्टिस मिलते रहे। ओके सो बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैव अ नाइस डे।